बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर शरीफ की जस्ते खाकी जर्मनी से कराची पहुंच चुकी हैं और बहुत ही जल्द उनकी जस्ते खाकी जनाजा गाह की जगह पर पहुंचा दी जाएगी और उनका नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा। उससे पहले उनकी मियत के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उमर शरीफ के डेड बॉडी को एम्बुलेंस से उतारते वक्त लोगों का कहना था कि उनकी डेड बॉडी या ताबूत से कुछ किस्म की बू आ रही थी, जिससे ये साबित हो रहा था कि उमर शरीफ की मौत को कुछ दिन हो चुके हैं और उनके मौत के बाद उनकी डेड बॉडी का ठीक तरीके से ख्याल नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से उनकी मियत से बू आ रही थी और उन्हें बच्चों की जानिब से और अहलिया की जानिब से जल्द दफनाने का कहा गया है। उनका कहना था कि हम जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी उनकी नमाज़ें जनाजा पढ़ा ली जाए और जल्द ही उन्हें दफन कर दिया जाए। उमर शरीफ की अहलिया भी वहाँ चीख चीख कर रोती हुई नज़र आ रही थी और अपनी शोहर को आवाज़ें दे रही थी, मगर वो कहाँ जाग सकते थे, तो वो तो इस राह दुनिया से रुखसत हो चुके हैं।